Hi everyone, welcome back to Hobby Shobby. Wish you all a happy new year and thanks for your love and support. Peanut chikki banane ke liye hame required hai 2 cup peanut. Ise hum dry roast kar lenge acche tarah se jab tak ki ye acche se roast na ho jaye. Dekhiye abhi iska color is tarah se change ho gaya hai. Ab hum ise साइड पे रख लेंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाए तब हम इसे पील ऑफ कर लेंगे. देखिए इस तरह से मैंने इसी की सारे स्किन निकाल ली है. हम साइड पे रख लेंगे. अब इसी पैन में हम यहाँ पे 1.5 कप जैगरी ले रहे हैं. ये गुड़ है रेड कलर का, आप चाहे तो वाइट भी यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर करेंगे ताकि ये चिपके ना. देखिए इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे ना लगे. अब ये बॉईल हो चुका है, हम इसे कंटिन्यूस मिक्स करेंगे. अब इसका कलर चेंज हो चुका है इस तरह से. अब हम इसे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे. जैसे हमने गुड़गट्टे की रेसिपी में चेक किया था सेम उसी मेथड से हम इसमें चेक करेंगे. एक बाउल में पानी लिया है, उसमें एक ड्रॉप हम डाल के देखेंगे और जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए. उस टाइम पर हम इसमें ये पीनट ऐड करके मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कंटिन्यूस मिलाइए इस तरह से. थोड़ा मैं जल्दी करना होगा अदरवाइज ये यहीं पे सेट होना चालू हो जाएगा. तो ये सारा मिक्स हो चुका है. मैंने एक प्लेट लिया, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है. हम इसे इस तरह से इस प्लेट में शिफ्ट करेंगे और एक बाउलिया जो भी आप ले उसे ग्रीस करके इस तरह से इसे प्रेस करें और शेप दे दें. अब इसे एक मिनट थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे या उसके बाद इसे आप टैप करके निकाल लीजिए. देखिए एकदम परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हेल्दी है, केमिकल फ्री है, ओनली 2 इन्ग्रीडियंट्स है. ज़रूर ट्राई कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.